दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। बंदर का प्रवेश। अब इस कहानी में बंदर का प्रवेश होता है। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। रोटी किसकी, मैं इसका फैसला करूँगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीन कर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती हैं। दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा पूरा हक बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, एक आँख से देखी थी या दो आँखों से? सफ़ेद बिल्ली, दो आँखों से, दोनों आँखों से। बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली, दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी, दोनों बिल्लियाँ, कहीं ना कोई, कोई ना कहीं। बंदर, बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म काटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़ कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा ऊपर। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर है दूसरा नीचे। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया दूसरा ऊपर। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हैं। मुँह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए, सफ़ेद बिल्ली आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू। काली बिल्ली, बचा कुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगे। बंदर, नहीं नहीं तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है, तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताई से क्या हो तो बंदर हड़पा रोटी। इस कहानी के लेखक का नाम है हरवंश राय बच्चन। तो बच्चों, आपने देखा कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें जो मिले, जो भी थोड़ा कुछ मिलता है, ज़्यादा मिलता है, थोड़ा मिलता है, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, न कि आपस में इसके लिए झगड़ा करना चाहिए। जैसा कि आप इस कहानी में देख रहे हैं कि दो बिल्ली आपस में रोटी के लिए झगड़ा कर रही है, और इसका फ़ायदा किसको मिलता है? एक तीसरे इंसान को, जो कि बंदर रहता है, वो तीसरा आदमी इसका फ़ायदा उठा के चला जाता है। तो अगर दो लोग आपस में झगड़ेंगे तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? तीसरे को। तो हमें जो भी मिले, थोड़ा बहुत जो कुछ भी मिले, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। लालच करना बिल्कुल बुरी बला है, और आपस में झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।